हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके 5 से 6 महीने अब एग्जाम में बचे हुए हैं और आपके मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि कैसे इस समय का अच्छा उपयोग किया जाए, कैसे हम हर एक महीने को, हर एक घंटे को और इवन हर एक मोमेंट को, हर पल को ऐसे यूटिलाइज करें कि हमने जो ड्रीम देखा है, हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। मतलब अल्टीमेटली हम जो टॉप रैंक लगाना चाह रहे हैं एग्जाम में, उस तक पहुंचने के लिए जो जर्नी हमारी है वो जर्नी हम सक्सेसफुली तय करें, कोई भी इश्यूज हमारी जर्नी में ना आए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, टेक्निक्स और टिप्स के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी अपने टाइम पे और मैंने एग्जाम को क्लियर किया था, बट कई चीजों को मैंने फेस किया था और वो चीजें मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और उसके बाद में मुझे लगभग यूट्यूब पे ही 4 साल हो चुके हैं और उसके पहले मुझे काफी लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों को हेल्प करने का और गाइड करने का और पढ़ाने का। तो काफी सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ जो कि आप फेस करने वाले हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और उससे कैसे डील करके सक्सेसफुली आप बाहर आ सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं वही सब बताने वाला हूँ। और देखिए, कहीं ना कहीं होता है ना कि आप जब युद्ध होता था रणभूमि में, तो युद्ध में जीतता कौन था? जिसके पास में सबसे अच्छा हथियार होता था और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस जो आपके पास होना ही चाहिए थी अगर आपको रणभूमि में युद्ध जीतना है। और वही चीज यहां पर अप्लाई होती है फ्रेंड्स। आप मानो या ना मानो, यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आपके पास में एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी टेक्निक्स, अच्छे टिप्स, अच्छा गाइडेंस, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। बिकॉज पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कई चीजें आएंगी, छोटी छोटी, कई सारे छोटे छोटे इश्यूज आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगी, जहां पर आपका मन करेगा पढ़ाई छोड़ने का, जहां पर आपको लगेगा कि हमको आपको कोई गाइडेंस चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी और मैं कंसेक्यूटिव आप लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए, आपको हेल्प करता रहूंगा। और जहां जहां मुझे लगेगा आपको ये चीज बताना चाहिए तो आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ में हम अपना कोर्स, फ्री कोर्स भी एसएससी सीजीएल के लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, हम जल्दी उसको अनाउंस कर देंगे और आपको पूरी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये तैयारी जो आप कर रहे हो ना, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, हो सकता है आप इस एग्जाम की तैयारी पहली बार कर रहे हो या पहली बार एग्जाम दे रहे हो, या हो सकता है आप पिछली बार एग्जाम दे चुके हो लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड था, जो आपके डिजायर था कि आपको इतना नंबर आना चाहिए, वो नहीं आ पाए, इसलिए वापस से अपियर हो रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में आपको मेरी ये बात समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ये जो एग्जाम्स होती है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल या यूपीएससी, कैट या सीडीएस, कोई भी एग्जाम, इन एग्जाम्स में और स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में बुनियादी अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 33 या 35। तो होता क्या है ना, वहां पर 1 या 2 नंबर आपके ऊपर नीचे हो जाए तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में आपका करियर डिसाइड नहीं हो रहा होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर्स में, इवन पॉइंट्स में खेल हो जाता है। पॉइंट्स में अगर आपके ऊपर नीचे नंबर होते हैं तो आपकी आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। आपकी हो सकता है कोई पोस्ट आपको मिल रही है, वो पोस्ट नहीं मिलके आपको उसकी नीचे वाली पोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में, और इसीलिए इन दोनों की प्रिपरेशन में बहुत फर्क आ जाता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो होती है आप एंड मोमेंट तक करते हो, आखिरी में पढ़ के आप एग्जाम निकाल पाते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज तो खूब मिलेंगे, कोचिंग खूब मिलेगी, लेकिन गाइडेंस कहीं नहीं मिलने वाला है ना। और आपको इसकी समस्या ये है कि प्रिपरेशन आपको लगभग 6-7 महीने 8 महीने कंटिन्यू करना पड़ती है, आप इसे ब्रेक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको मिनिमम मार्क्स लाए तो आप अंदर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 10,000 वैकेंसी होती है और 15 से 20 लाख बच्चे उस एग्जाम के लिए कॉम्पीट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस टॉप 10,000 में आना पड़ेगा, इवन मैं कहूंगा आपको टॉप 1,000 में आना पड़ेगा अगर आपको आपकी डिजायर्ड पोस्ट चाहिए, आपकी डिजायर्ड वैकेंसी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है और इस चीज को आप ध्यान रखना। हो सकता है आप पढ़ाई के दौरान कुछ आपके फ्लक्चुएशन आएंगे, आपको परेशानी होंगी, बट ये चीज का प्रिपरेशन में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको आपको लगातार मेहनत करना होती है, आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इससे आगे बढ़ के एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसी चीज जो आपको लेकर चलना है थ्रू आउट द प्रोसेस। आप आज से पढ़ाई शुरू करो और एग्जाम आपकी मई में है, शायद 20-29 मई को, लगभग 6 महीने आपके पास में है। 6 महीने मतलब 180 दिन, 180 डेज, एवरी डे
आपके पास में ये क्वालिटी होना ही चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस चीज को आपने अपने पास में रखा पूरे 180 दिनों के लिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिलेगी और आपको जहां पोस्टिंग चाहिए वहां मिलेगी। बट इम्पॉर्टेंट ये कि इस चीज को आपको लेकर के चलना है थ्रू आउट 180 डेज। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है ना, आपके लिए एग्जाम को क्लियर करना केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम क्लियर तो करो लेकिन अच्छी रैंक के साथ क्लियर करो। क्योंकि आपका ड्रीम कभी भी ये नहीं हो सकता, किसी का भी ड्रीम ये नहीं होगा कि आप इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की नौकरी करो। अगर आप इनकम टैक्स में जाओगे ही तो आपका एक आपकी एक कोशिश होगी कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक ही एग्जाम देके जा रहे हो। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आपके पास में है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपके दिमाग में, आपके विचारों में स्पष्टता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूंगा इसको, तीन स्टेप्स में, तीन चीजें इसमें है, बट आपको समझना पड़ेगा कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्या होता है, क्लैरिटी आपको क्यों होना चाहिए। सबसे पहली चीज, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का मतलब क्या, पहली चीज जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है गोल। गोल का मतलब क्या कि आपको जाना कहाँ है, अल्टीमेटली आपका क्या विजन है। अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए डेफिनेटली आपके मन में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आपने क्रिएट की होगी, आपके मन में कोई विचार या कोई भाव आया होगा कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, आपको पावरफुल जॉब चाहिए, आपको रिलैक्स वाली जॉब चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम आपको पता होगा। तो वो जो गोल है ना, आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि उस चीज को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई मौके ऐसे आते हैं प्रिपरेशन के दौरान जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा या कोई ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, तो आपको सब कुछ छोड़ के आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तो ही आप चीजों को अचीव कर पाओगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वो गोल आपको क्लियर होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्रॉपर प्रोसेस टू अचीव दैट गोल। आपने गोल तो डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनना है, कहाँ जॉब करनी है, क्या पोस्टिंग चाहिए, किस डिपार्टमेंट में, किस मिनिस्ट्री में चाहिए, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी, तो डेफिनेटली आपको पता ही है एक एग्जाम है, उस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, उस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ आपको क्लियर करना है, ये उसकी प्रोसेस हो गई है। ऑलराइट, तो ये क्लैरिटी आपकी दो चीजों की हो गई है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू डील विद दैट प्रोसेस। जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि एक एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन में आप कैसे तैयारी करोगे, आप किन टैक्टिक्स का यूज करोगे, किन टिप्स का यूज करोगे, स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, वो सब आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है फ्रेंड्स, कई बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, अभी जब फॉर्म आने वाले दिसंबर में आपको पता चलेगा कि लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है, एक्चुअल में कॉम्पिटिशन कुछ हजारों में ही होता है, लाखों बच्चों में कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है। कई बच्चे विजन रखते हैं, कई बच्चे ड्रीम देखते हैं कि हमें सीबीआई के अंदर जाना है, हमें इनकम टैक्स में जाना है, हमें एग्जामिनर बनना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एयरपोर्ट पे जॉब करेंगे, व्हाइट यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये सब आपके मन में आएगा, सबके मन में आता है, लेकिन आप कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हो उस चीज को पाने के लिए, और आप उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्टैटिक आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या प्रॉपर रूटीन आप फॉलो करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो कुछ भी आपने किया है उसका लेखा जोखा आपके पास में है, या आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि समय बहुत ही कम होता है, उस समय को आपको यूटिलाइज करना, वो भी स्मार्टली, ये भी अपने आप में एक टास्क है। अगर आपको ये लगता है कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको चार सब्जेक्ट पढ़ना है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, तो आपकी गलत फहमी है। ये तो केवल एक ऐसी एक सिलेबस मात्र है, ये तो ऐसी चीजें इसको पढ़ के आपको वहां पर दे के आना है, लेकिन जो प्रिपरेशन की प्रोसेस है ना वो असली खेल है। यहाँ पर जो डेली अपने आप से जीत रहा होता है, वो डेली विक्ट्री कर रहा होता है ना, उसका जीतना एग्जाम के दिन तय होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इससे डील कैसे करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसकी क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी तरह होना ही चाहिए। आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप शुरुआत कैसे कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन सा स्टडी मटेरियल प्रेफर कर रहे हो, आपको कितनी समझ है एग्जाम के पैटर्न की, एग्जाम के नेचर की, आप जब पढ़ाई करते हो तो आप रास्ते से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, उसको एनालिसिस कैसे करोगे। क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट जो आप परचेज कर लेते हो, एग्जाम अभी शुरू, अभी नोटिफिकेशन आएगा और धड़ल्ले से आप देखना खूब सारे कोर्सेज बिकना शुरू हो जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, लोग मॉक टेस्ट भी परचेज कर लेते हैं। और मॉक टेस्ट के बारे में कई बार बता चुका हूँ आपको, मेरे सामने कई सारे क्वेश्चन आए हैं जिसमें एसएससी सीजीएल की मॉक टेस्ट होती है और क्वेश्चन बैंकिंग के होते हैं या कैट के लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो ये ऐसी चीज है जिससे आपको बचना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर चीज पढ़ना है, हर चीज में घुस जाना है,
हमें हमें ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की खासियत ही होती है कि आपको ये पता हो कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बिकॉज यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट है, आपके बजट टाइम है ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है, उसी टाइम को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपने फेवर में करना है। ये काम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस तो कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता, सिलेबस इतना बड़ा होता है कि 6-8 महीने में खत्म नहीं होता। लेकिन जब आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया, नेचर को समझ लिया, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आपको समझ में आ जाए कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्या आपको छोड़ना है। अगर आप ऐसा करोगे, डेली अपने आप को एनालाइज करते चलोगे, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुली चीज को पार कर जाओगे विदाउट फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आती है स्टूडेंट्स को, और ये नेचुरल फेनोमेना है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी से एकदम से तैयारी मत शुरू कर देना कि आप एकदम से कोई स्टडी मटेरियल परचेस कर लो या अभी से कोई बुक्स परचेस कर लो। अभी जो मैं आपको तरीके बताऊंगा उसी को फॉलो करना और स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना, ताकि आप जो पढ़ना चाहते हो वही पढ़ो, जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ो, अननेसेसरी चीजें आप ना पढ़ो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन में मैं डेली रूटीन का टेबल वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एक आइडियल रूटीन, ठीक है ना। उस रूटीन में आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो सेंटर में वो रूटीन होना चाहिए, एक आइडियल रूटीन जैसा होना चाहिए एक टॉपर का। मतलब आपको अच्छी रैंक लगानी है अगर, तो आपको इतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक प्रॉपर रूटीन के ऊपर बहुत मैंने कंटेंट बना लिया है, सोच लिया है, लिख भी लिया है, थोड़ा सा मतलब समय लगता है उसमें। ऐसी चीज अगर डालना है जो मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है, तो मैं उसमें ऐड करता रहता हूँ समय समय पर। बिकॉज क्योंकि कोई चीज वीडियो बनाने के बाद मेरे माइंड में आए तो वीडियो बनाना वेस्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपको बता दूं वीडियो में ही, ताकि आपसे कोई मुझसे कोई चीज स्किप ना हो और आपसे आप तक पहुंचने से रह ना जाए, ठीक है। तो 2 या 3 दिन में परसों तक कोशिश करूंगा, आपको मैं टाइम टेबल का वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि डेली आपको आइडियली क्या रूटीन फॉलो करना है। ये चीज हो गई। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत ही जल्दी फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स की, क्वांट की, ठीक है। मैं मैथ्स से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा, तो आपको मैं फ्री क्लासेस मतलब फ्री है बिल्कुल, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, और ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि पेड में पढ़ाया जाता है, मतलब कि सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। क्वांट का स्टार्ट करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी चॉइस हो तो आप मुझे बता देना कि आप कौन सा टॉपिक इसके बाद पढ़ना चाहते हो, तो हम वहां से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके सिलेबस खत्म हो जाए, क्वेश्चंस भी करेंगे, सिलेबस भी खत्म करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो चिंता मत करना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हेल्प करूंगा और मैं आपके साथ लेके चलूंगा आपको एग्जाम तक, तो मैं ये काम करने वाला हूँ, पूरी हेल्प रहेगी मेरी तरफ से, मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा। बस मैं जो आपको बताऊं उसको फॉलो जरूर करना। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने उनको अक्षरशः पालन कर लिया, वर्ड टू वर्ड अगर आपने उनका पालन किया, तो आप डेफिनेटली टॉप 100 में रैंक लगाओगे, मेरा विश्वास है। बस आप उसमें कोई कोताही मत बरतना, क्योंकि देखिए कई सारे मतलब मेरे से पुराने समय में कई स्टूडेंट्स हैं, 100, 400, 500 नहीं मतलब थाउजेंड्स में है। केवल टीचिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब यूट्यूब पे भी डायरेक्टली जिनको मैंने गाइड किया बताया है, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं लेता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने वो काम किया, बिकॉज मेरा काम केवल आपको दिशा दिखाने का था। जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुए, आज भी कई बच्चों के फोन आते हैं, पर्सनली बात करते हैं, पर्सनली बताते हैं वो कहाँ पोस्टेड है, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा तो कॉन्ट्रीब्यूशन 5-10% भी नहीं है। मैंने आपको उंगली से केवल दिशा बताई कि आपको इधर जाना है, उसके बाद उन बच्चों ने अपनी मेहनत की है, उन्होंने डेडिकेशन से काम किया, उसके बाद वो पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे, ठीक है ना। ऐसे और कई सारे बच्चे जो भी होंगे जो नहीं पहुंच पाए, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप फॉलो करो टिप्स को, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप ईमानदारी से उसका पालन करो। और मैं आपको बताऊं, आप खुद को आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट मालूम पड़ता चलेगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो ना 5-6 महीने तक, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, ओके। तो जितना मैंने बताया उतना अभी तक करना, और सीरीज में मेरे वीडियोस आते रहेंगे इस एग्जाम को लेकर के। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको पूछना है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।